एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो एक तो हॉस्पिटल में है ही और यहाँ पर अलग है, यहाँ पे अलग है ओके, और उसके साथ हमारा एक इम्प्लांट सेंटर भी अलग है जहाँ ठीक है हम जो पेशेंट्स में इम्प्लांट्स वगैरह प्लेस करते हैं ठीक है। ये जो हमारा विंग है राइट साइड में आप देख रहे हैं, हाँ ये ओटी हो गए, हाँ दिखा रहा है पूरा, इसके अंदर ओटी भी है माइनर मेजर गॉट इट एंड पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। और सर यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ये अब ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट है जो आप बता रहे थे। अच्छा तो गए डिपार्टमेंट में क्योंकि ट्रॉमा के केसेस भी आते हैं तो इधर ही हमारा जो मैंने आपको बताया था सीबीसीटी है तो वो भी यही हो रहा है। तो वन सेकेंड मेरे पीछे देखिए गाइस, लुक एट द भीड़, आप लोग भीड़ देखिए क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ ना कि हमें तो नंबर ऑफ़ पीपल देखने हैं। अच्छा ये जो आप सी बी सी टी कौनसोल बता रहे थे ये सी बी सी टी कौनसोल हो गया, इसमें सारे एक्सरे यूनिट्स लगे हैं ठीक है जो इंट्राओरल एक्सरे हैं राइट एंड वी हैव टू मशीन्स, हमारा एक ये है आपका ओपीजी वाला मशीन राइट ओके, हाँ जी हमारा सीबीसीटी वाला मशीन है ओके 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 मशीन ओके सीबीसीटी ओके जो बता रहे थे ये बहुत ही यूजफुल टूल है आज के डेट में, जैसे कोई दांत अगर हड्डी के अंदर फंसा है या हमें कहीं पे इम्प्लांट प्लेस करना है जो राइट तो हम इसके थ्रू पहले पूरा इवेल्यूएट कर लेते हैं कितना बोन का थिकनेस है डेप्थ है और उसके हिसाब से हम इम्प्लांट सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टली हम प्लेस कर देते हैं। अभी वी आर गोना स्टार्ट, हमने अभी 3D प्रिंटर भी आ गया है हाँ जी। तो हम इसके थ्रू इसको इंटीग्रेट करके हम सर्जिकल गाइड्स भी बनाने वाले हैं okay. इसमें क्या एडवांटेज होगा कि जो प्रिसीजन लेवल है उसके इम्प्लांट प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक तो स्टूडेंट्स इट सीम्स दैट ये देखिए जो ये है ना 3D एक्सरे इस तरह करके आता है वो जो सामने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ओके लुक एट मेरे पीछे देखो हाँ ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है बहुत बढ़िया। तो ये पूरा है हम इसमें अब बोन लेवल पे कोई भी फ्रैक्चर है या किसी भी तरह का कुछ भी दांत अंदर फंसा है या दांत फ्रैक्चर है हम वी कैन माइन्यूटली सी ईच एंड समझ गया बहुत बढ़िया। और देखो जो मैं सर इट इज़ ऑल्सो स्मॉल प्रूफ कैलेंडर IDST एंड DPS मोदी नगर ऑल इन वन। सो देखिए एडवांटेज है आई थिंक यू टेल इट टेल्स अस द फिनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप ऑल्सो एंड द एजुकेशन वाला लेवल कि जो DPSC फ्रेंचाइजी लेके चला रहे हैं यू हैव टू बी गुड क्वालिटी राइट। सो DPS मोदी नगर भी इन्हीं ग्रुप के पास है एंड दिस इज़ दी अगेन दी इम्प्लांट ट्रेनिंग सेंटर। लुक एट द साइज ऑफ द रूम गाइस वंस अगेन स्टूडेंट्स लुक एट ठीक है अभी लगता है कोई सुबह सुबह पेशेंट नहीं है बट 1, 2, 3, 4, 8 डेंटल चेयर यहाँ पर भी हैं फॉर इम्प्लांट ट्रेनिंग सेंटर ओके। और ये जो सब बताते थे UG क्लिनिक्स हाँ जी सर ये जहाँ पे हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो BDS कर रहे हैं हाँ जी थर्ड ईयर फाइनल ईयर इंटर्न तो जो भी सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं लाइक एक्सट्रैक्शन हैं इन्फेक्शन हैं वो सारा कुछ यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और सर आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जो कुछ कॉलेज जो थोड़ी बदमाशी कर रहे हैं और विच इज़ थर्ड थिंग विच स्टूडेंट यू शुड नो, हमने 3-4 चीज़ें सीख चुके हैं ना, एक हॉस्पिटल कॉलेज के अंदर हो, दूसरा फाउंडर्स चाहे वो खुद मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए थे या वो एक टिपिकल बिजनेसमैन है। और सर ने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, सर ने बोला सर आप खुद ही सोचिए इट मेक सेंस, कहते सर एक होता है नंबर ऑफ़ OPD एंड नंबर ऑफ़ OPD क्योंकि वो गवर्नमेंट का रूल है, एक होता है कि वो जो OPD पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट कौन कर रहा है क्योंकि हर डेंटल कॉलेज में लाइक MBBS कॉलेज देर ऑलवेज डॉक्टर्स लाइक डॉक्टर रंजीत राइट। तो क्या सारा इलाज यही कर रहे हैं या स्टूडेंट्स को भी दिया जा रहा है एंड दैट इज़ वेयर द डिफरेंस जो आप बता रहे थे। बिल्कुल सर देखिए कोई भी एक डेंटल कॉलेज है उसका मेन मोटो है हमारे अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना हाँ जी। सो ट्रेनिंग इज़ द मेन मोटो राइट। सो जब हम लर्निंग की बात करते हैं ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हमारा टारगेट होता है विच इज़ सेट बाई द DCA ऑल्सो अब मिनिमम यू नो OPD विच इज़ रिक्वायर्ड पर डे राइट एंड देन देर इज अ सेग्रीगेशन ऑल्सो OPD जो कि रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की जैसे right. भी आपने दो डिपार्टमेंट्स हाँ जी। तो जो मेन मोटो रहता है वो ये रहता है कि एक डिपार्टमेंट अपने अंडर डेली कितने पेशेंट्स पे ट्रेनिंग करा रहा है बच्चे। ठीक। तो अभी क्या हो रहा है हम OPD की बात करते हैं तो इट्स अ नंबर हाँ जी है ना। अब यूजली क्या हो रहा है क्लिनिक्स जो कॉलेजेस हैं वो दे आर लिटिल डेफरिंग दे आर ओपनिंग सम एक्सप्रेस क्लिनिक जो कि एक कॉन्सेप्ट अच्छा है क्योंकि उसमें क्या है पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रहा है बट उसमें क्या हो रहा है कि वो
और पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो मेनली दिया जा रहा है पेशेंट को फैकल्टी के थ्रू ट्रीटमेंट, राइट? तो प्रॉब्ली बिकॉज हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है, वी आर नॉट चार्जिंग, राइट? ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑल ट्रीटमेंट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट. अब उसमें क्या है, व्हेन पेशेंट को फैकल्टी कर रहा है तो दे आर चार्जिंग लिटिल एक्स्ट्रा. सो नाउ अब पेशेंट जो है वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है टू एक्सप्रेस क्लिनिक्स, राइट? तो जो ओवरऑल अगर हम फिल्टर आउट करें ओपीडी को, तो जो स्टूडेंट्स के पास जो केसेस जा रहे हैं दैट इज बहुत माइनर जा रहे हैं, जबकि आपके यहाँ स्टूडेंट्स पे ही ज्यादा फोकस है. हमारे यहाँ तो टोटली फोकस जो है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है. हम चाहे वो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों चाहे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों, हम बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोच जो कोर्सेज भी चला रहे हैं. दैट इज़ अगर आप एक स्पेशलिटी में कुछ पीजी कर रहे हैं तो दूसरे स्पेशलिटी से भी रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं. हाँ जी, इधर आजिए. एक और पेशेंट आए तो उनके लिए जगह छोड़नी थी हमें. ये डॉक्टर साहब देखिए, तो हम हर चीज़ का हर तरह का एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चों को, चाहे वो हमारे अंडर ग्रेजुएट्स हों, उनके लिए हमारा इम्प्लांट के एक्सपोजर हैं. वी हैव स्टार्टेड इम्प्लांट कोर्सेज ऑल्सो, प्री क्लिनिकल कोर्सेज, राइट? ताकि बच्चे को, जो बच्चा पढ़ रहा है उस स्टेज पे, क्योंकि कई बार ये क्या होता है, आप सिर्फ पढ़ रहे होते हो और आपको, आप अपने माइंड के अंदर उस पिक्चर को प्रिडिक्ट करके चलते हो. हाँ जी. हम वो बच्चों को मॉडल्स पे, जो हमारा सिमुलेशन सेंटर है उसमें हम उन मॉडल्स पे उनको. सर सिमुलेशन सेंटर कहाँ पर है वो? सर अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, वो ऊपर है, ठीक है? तो उसमें भी हम उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं. तो उसमें क्या एडवांटेज हो रहा है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो साथ के साथ उसको प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं. तो वो उनको समझ में ज़्यादा आता है. बिकॉज देखिए, जब भी आप कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा बच्चा ग्रास्प. डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली. आइए सर एक बार वो देखिए, आइए. क्योंकि देखिए, आई नो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि टाइम, वीडियो बहुत लंबा हो गया, पर कोई बात नहीं. आई थिंक इट इज़ ऑल फॉर अस टू लर्न. और जैसा मैंने कहा कि अब बस मैं चलता जा रहा हूँ, मेरे पीछे आप लेफ्ट राइट में खड़े पेशेंट्स देखते रहिए, और शायद आपको बस ये पता चल रहा है कि क्या फ्लो है यहाँ पर ओपीडी का भी. तो हमने चार चीज़ें सीखी, या राइट? ओके, थोड़ा वो रहता है. तो ये ऐसा, ये बोर्ड बड़ा अच्छा सा देखिए बोर्ड लगा रखा है सर ने, तो जिससे ये पता चल रहा है कि कौन से फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट है. तो पिछले हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं जो सर का डिपार्टमेंट है. तो एंड अगेन, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बिकॉज मैंने कुछ और कॉलेजेस देखे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा. और देखिए फिर से सर का बोर्ड पहले देखते हैं जो हमें इधर टाइम दे रहे हैं. डॉक्टर अचिंत जुनेजा, सबसे ऊपर नाम लिखा हुआ है. एंड अगेन देर आर 11 पीपल टोटल विच इज इन द ऑर्थोडोंटिक्स डिपार्टमेंट. हाँ जी सर, राइट? और यहाँ पे सर हम वही ब्रेसेस आपको मैंने बताया था, हाँ, दांतों की जो तारे लगती हैं. हाँ जी. प्लस जो आजकल जो एक एडवांस चला है जिसमें तारे नहीं लगती हैं. हाँ जी. और अलाइनर से ट्रीटमेंट होता है. हाँ जी. तो हम सारी मोडेलिटीज़ का ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो ये ऑर्थो डिपार्टमेंट है. और जो आप बता रहे थे तारे लग रही है, जो क्या नाम बताया था आपने? इनविजिलाइजर, राइट? राइट. थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन, हाँ जी, फिर भी काफ़ी अच्छा है. हमारा ही एक कॉलेज है पूरे इंडिया में जिसने ऑलमोस्ट 18 केसेस किए हैं अभी लास्ट 6-7 मंथ्स में इनविजिलाइन के. आई थिंक किसी भी कॉलेज में 10-12 केसेस से ज़्यादा नहीं हुए हैं. और ये है भाई, ये पीजी क्लिनिक चल रहा है हर तरफ देखिए. एंड वंस अगेन सर, लुक एट दी इंफ्रा, मतलब मेरे चाहे हो फ्लोरिंग देख रहे हैं. सो दिस एंटायर मार्बल, एंटायर एयर कंडीशन अभी आए. और यहाँ भी बच्चों का, लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सर लैब किधर है? वो वाली सिमुलेटर वाली? हाँ जी, हाँ जी सर. हाँ जी, वो देखते हैं सर, क्योंकि बिना ये बहुत लंबा हो जाएगा. बट आई थिंक स्टूडेंट्स को एक आइडिया लग गया है, पेरेंट्स को एक आइडिया लग गया है कि एक BDS कॉलेज में उन्हें क्या देखना है. और मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, मैं क्लेम नहीं करता कि मैं हिंदुस्तान के सारे कॉलेज में गया हूँ, पर जैसे कि MBBS की मैं आपको हमेशा दिखाता रहता था, वैसे ही मैंने सुना था मेरे कुछ जानकारों से कि सर आप BDS कॉलेज में क्या आपने IDST देखा है. और मैं सच बताऊँ मैंने नहीं देखा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा. उसका कारण ये है कि शायद हम ज़्यादा फोकस MBBS पे कर रहे थे, और वो तो मैं आपको सारे वीडियोस बना के दिखाते रहता था. और दिल्ली के आसपास के मैंने देखे हुए थे डेंटल कॉलेज, राइट? लेकिन यहाँ पर आके आपको पता चल रहा है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अच्छा, कोई बात नहीं सर, आइए. तो अगेन
और एज आई एम क्लाइंबिंग द स्टेयर्स यू लुक एट दी, इसे बोलते हैं ना इन्फ्रा, जो अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि वॉल पे पेंट की क्वालिटी भी शायद आपको बताती है एक अबाउट दी विजन, राइट। ये पेंट ऐसा लग रहा है कि अभी महीना पहले या 6 महीने पहले हुआ है। लुक एट द पेंट ऑन द वॉल्स, एनुअल होता है, राइट। सो इवन दे ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट। मतलब मेरे लेफ्ट साइड में आप दीवारें देख रहे हो ना, लुक एट द कॉरिडोर क्वालिटी, लुक एट वेयर आई एम वॉकिंग। हो नाइस। सो हैव यू सीन एनीथिंग लाइक दिस? आई थिंक वी हैव सेव्ड द रियली बेस्ट पार्ट, मे बी फॉर द स्लाइटली लास्ट ऑफ द वीडियो। एंड इट इज नॉट 1-2 सर, हाउ मेनी मशीन्स आर देयर? सर, 50 स्टेशंस। इन 50 स्टेशंस में जो भी एक हमारा मेन स्टेशन है सामने, हाँ जी, हम उस पे डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, हाँ जी, वो लाइव इन पे दिखता है, दिखता है, और सेम बच्चे इसमें करते हैं, स्टेशंस पे करते हैं। तो हमारा एक मेजर स्क्रीन है जिसमें गाइस देख रहे हो, देख सकते हैं, मेरे पीछे देख रहे हो, इट्स ए फुल मशीन। लेट इज लाइक एक पेशेंट लेटा हुआ है, ये आप देखोगे ना, ये पेशेंट का वो बना हुआ है और शायद उसका सारा स्ट्रक्चर, नवादा नाम की कंपनी की मशीन है। एंड वंस अगेन अमेजिंग, दिस एंटायर इज 50 मशीन्स। और याद है जो हमने SGT में MBBS के लिए देखा था सिम्यूलेटर, और काफ़ी पॉपुलर है वो, उसी की तर्ज पर ये सिम्यूलेटर है BDS के, भाई बच्चों की प्रिपरेशन के लिए, व्हेन यू आर नॉट ऑन द एक्चुअल पेशेंट। ये जो सिम्युलेटर्स है हमारे सिंपल कैविटी रेस्टोरेशंस के लिए नहीं है, हाँ जी, हमारे पास हर तरह के सिम्युलेटर्स हैं। जैसे कि अगर हम ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो हम एनेस्थीसिया देते हैं माउथ के अंदर, राइट। तो अभी क्या होता है, बच्चे थर्ड ईयर में जब जाते हैं तो वो डायरेक्टली पेशेंट के माउथ में एनेस्थीसिया देते हैं, हाँ जी, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच दे डू डायरेक्टली ऑन पेशेंट, राइट। तो हमारे पास उसके सिम्युलेटर्स हैं, आप पहले इन पे प्रैक्टिस करोगे, और अगर बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है तो शायद यहीं से वो सीख लेगा, हाँ जी, कि कितना डालना है। नहीं नहीं, इसमें अगर आप करेक्ट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो, हाँ, तो उसमें रेड लाइट चलेगा, हाँ, अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हो तो जा पाओगे, करेक्ट, तो ग्रीन लाइट चलेगा। तो यहीं पे आपको समझ में आ जाता है दैट आपको कैसे प्लेस करना है। गॉट इट। इसी तरह से रेडियोलॉजी के सिमुलेटर्स हैं, आप यहीं पे एक्सरे करके देख सकते हो। सर, इफ यू डोंट माइंड, मतलब क्या ये कॉस्ट करती होगी एक मशीन, लाइक रफ आइडिया? सर, ये जो वन सेट है, हाँ, जो ये वाला पूरा सेट है, हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 4 लाख के अराउंड, और 50 हमने ये ऐसे लगाए हैं, मतलब मोटा मोटी 2 करोड़ तो यही हो गए। अमेजिंग। एंड गाइस, आई थिंक दिस इज द 4th थिंग विच वी लर्न टूडे। और जो हमने याद है SGT गुड़गावा के MBBS में देखी थी, पर शायद वो भी इतना बड़ा नहीं था, 50 मशीनें। देखिए 2-4 नहीं है दिखाने के लिए, 50 मशीनें, 50 सिम्युलेटर टू मेक यू अ गुड डेंटल डॉक्टर। और यहाँ पर आके जो मैं बार बार समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ ना, वो यही है कि क्या आप सिर्फ डिग्री लेके निकलोगे या आप एक प्रॉपर डेंटल सर्जन बन के निकलोगे सिर्फ BDS करके भी, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल फॉर BDS स्टूडेंट्स। ऑफकोर्स इस कॉलेज में MDS भी चलता है, बट शायद तभी जो मेरे दोस्तों ने मुझे तारीफ की थी कि सर ये जो सिम्युलेटर लैब है, ये तो शायद सर आपको तो पता ही होगा, और किसी कॉलेज में है पूरे नॉर्थ इंडिया में? सर देखिए, सिमुलेशन लैब्स तो हैं, अच्छा, में, बट जो इस तरह की सिमुलेशन लैब है विद दीज काइंड ऑफ सिम्युलेटर्स, वही वही, हाँ जी, ये आप ये बोल सकते हो नॉर्थ इंडिया में तो फर्स्ट ही है, हाँ जी, एंड देन पूरे इंडिया के लेवल पे भी अगर बोलें तो 1 या 2 कॉलेजेस में और होंगी। सो पता चल रहा है जी, एक अच्छा BDS कॉलेज कैसे बनाया जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। एंड आई थिंक वेरी वेरी नाइस। और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो एक पॉजिटिव वाइब आती है ना कॉलेज के अंदर, वो आई कैन फील इट हेयर। एंड आई थिंक दिस लॉन्ग वीडियो वी विल एंड हेयर, और एक अलग से वीडियो बनाएंगे हॉस्टल और मेस का, ठीक है? तो IDST फॉर मी इज़ 5 out of 5 इफ़ यू आस्क मी। और जो भी लोग BDS करने वाले हैं या ये सोच रहे थे कि हमारा MBBS सरकारी में नहीं हुआ तो हम कैसे काम चलाएंगे, आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहुत रिसेंट डिसेंट बजट में आपको BDS कॉलेज की ऑप्शन मिल जाती है। ऑफिशियल फीस थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसा कि हम जानते ही हैं कि देर आर फ्यू स्कॉलरशिप्स विच आर अवेलेबल एटलीस्ट इन दीज कॉलेजेस। और सर मुझे क्या भी रहते हैं कि सर चूँकि आप इतने रेप्यूटेड काउंसलर हो, आपके थ्रू बच्चे अगर हमारे पास आएंगे तो वी कैन श्योरली ऑफर अ फिक्स स्कॉलरशिप विच विल मेक टोटल फीस वेरी वेरी रीजनेबल। अगर सर बहुत रफ फिगर बोलूँ, अगर हॉस्टल मिला के, पढ़ाई मिला के, मतलब
10 11 12 मतलब कोई ऐसी फिगर है कि इसके अंदर काम हो जाएगा? सर 12 एंड हाफ है में सारा काम हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप्स हैं तो आप वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मिल जाएगी, अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में स्कॉलरशिप फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म्स हैं, दे कैन फिल दैट, ओके, देन इट कैन बी फर्दर टेकन। तो गाइस आई थिंक जो लोग बेचारे मेरे पास कई आते हैं MBBS स्टूडेंट की सरकारी कोशिश कर रहे थे, जिनका फोकस BDS है कोई दिक्कत ही नहीं है, पर जो ये सोच रहे थे कि हम MBBS के लिए कॉल ड्रॉप करें, लुक एट दिस ऑप्शन ऑल्सो, लुक एट दिस कैरियर ऑल्सो, बहुत इसमें ग्रोथ है, बहुत इसमें सिक्योरिटी है, बहुत इसमें रिस्पेक्ट है। और मुझे पता कई लोगों को सुनने बुरा लगता है जब मैं मेडिसिन के बारे में कहता हूँ, पर पैसा भी है, तो वी विल लर्न ऑल्सो राइट, एंड वी विल हैव अ यू नो एवरीथिंग विच अ डॉक्टर है, रिस्पेक्ट, इज्जत, प्लस मनी ऑल्सो फॉर यू एंड योर फैमिली। सो IDST ग्रेट ऑप्शन फ्रॉम ऑल परस्पेक्टिव्स। हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कॉल अस 9643362320। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।